स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देखो जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट, दो टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आप कहोगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है, मान लो आप एक ग्लास स्लैब ले लो, एक ग्लास स्लैब में लाइट को एंटर करवाओ और रिफ्रैक्ट कर गई, वो भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। वाटर है और एयर का इंटरफेस है, ग्लास उस एयर में से वाटर में लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या है, अगर एक ग्लास स्लैब है और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्नेल्स लॉ लगेगा, हम ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन कई बार रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्लैट नहीं होती, प्लेन नहीं होती, कैसी होती हैं, कर्व्ड होती हैं। तो अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, स्फेरिकल इन शेप है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये आज का लेक्चर है। तो इसके अंदर दो टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहली टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स और दूसरे टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव। अब कन्वेक्स और कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस एग्जैक्टली है क्या, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी एक स्फेयर है, मान लो एक स्फेयर है, इस स्फेयर के अंदर ये डेंसर मीडियम है, ये ग्लास है, ये ग्लास का स्फेयर है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय म्यू टू और रेयरर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय म्यू वन, ठीक है यहां तक, तो ये म्यू टू और ये म्यू वन, ठीक है यहां तक। इसमें अगर सपोज करो मैं इसके दो हिस्से कर दूं और डिवाइड कर दूं, इसे अलग अलग सरफेस बना लूं, तो आप एक चीज नोट करना, एक सरफेस ऐसी दिखेगी आपको और दूसरी सरफेस आपको ऐसी दिखेगी, क्लियर है यहां तक, एक स्फेयर ऐसा आधा आधा हो गया। ये पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रेयरर है और ये डेंसर है, ये रेयरर है और ये डेंसर है। इस टाइप की सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है, बस फर्क ये है कि ये उल्टा करके रख दिया, इतनी सी बात है लेकिन बात एक ही है। तो पहला स्टेप क्लियर है, कन्वेक्स की शेप कैसी होती है, कनकेव कैसे बनती है। कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, सपोज एक बार फिर से आप इसमें एक फिर से एक स्फेयर लो, इस बार डेंसर मीडियम यहां लो, इस बार जो डेंसर मीडियम है वो आप यहां लो, दिस इज डेंसर मीडियम म्यू टू एंड दिस इज रेयरर मीडियम म्यू वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, म्यू टू म्यू वन, ठीक है यहां तक। अब सपोज करो मैं इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं कुछ ऐसे, तो अब जो फिगर बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये देखो ऐसी फिगर बनेगी, ये पहली सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, ये देखो, तो ये डेंसर है और ये रेयरर है, ये डेंसर है और ये रेयरर है, कोई डाउट इसमें। तो आपने एक चीज नोट की, अगर मैं इन दोनों सरफेसेस को इकट्ठा रख दूं तो आप कैसे पहचानेंगे, आप ऐसे पहचानेंगे कि अगर आपकी सरफेस ऐसी है, दो ले रहा हूं स्फेरिकल सरफेस, अगर ये डेंसर हुई, अगर ये डेंसर है और ये रेयरर है, और दूसरे में ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो ऐसी सरफेस को क्या नाम देंगे, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और इसको क्या नाम देंगे, कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो क्या पहचान है, समझ में आ रही है, शेप पहचान में आ रही है, तो ये डेंसर और इधर से ये डेंसर। एक और तरीका है, ये एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये देखो, अगर मैंने यहां डेंस कर दिया तो ये हो गया कन्वेक्स, और अगर यहां डेंस कर दिया तो क्या हो गया, कनकेव, बस हो गया काम खत्म, ठीक हो गया यहां तक। तो ऑनलाइन भी क्लियर है कैसे पहचानना है कन्वेक्स एंड कनकेव, ठीक है। अब मेरे पास दो टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये मैंने आपको बता दिया, ये डेंसर है और ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये रेयरर है, ये कन्वेक्स है, और ये डेंसर है, ये रेयरर है, और ये कनकेव है, ठीक हो गया यहां तक। इसमें इस स्पेशली इस टॉपिक में हम डेंसर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू टू और रेयरर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय म्यू वन, पर ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, उल्टा भी तो रूल हो सकता है, म्यू वन डेंस है, म्यू टू रेयरर है, पर हम सारा दिन यही काम थोड़ा करते रहेंगे, म्यू टू डेंस की म्यू वन डेंस पूछते रहेंगे,
तो बाई डिफॉल्ट मैंने इस टॉपिक के अंदर बाई डिफॉल्ट जो है इसमें एज्यूम कर लिया म्यू टू डेंसर है और म्यू वन रेयरर है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक, ओके। नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर मैं एक लाइन खींचूं जो इस तरीके से इनके सेंटर से पास करे, तो जहां ये कट करेगी इन दोनों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, उस सरफेस को, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। पोल, तो ये भी पोल है और ये भी पोल है, और इस लाइन जो यहां डिवाइड कर रही है इसे, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। तो इसका प्रिंसिपल एक्सेस है। ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर मैं इसका सेंटर पूछूं कहां मिलेगा, तो कहीं राइट पे मिलेगा। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऐसे इसका सरफेस का सेंटर कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है यहां तक? तो दो टाइप की सर्फेसिस हैं। हम लाइट को एंटर करवाएंगे इनके अंदर और रिफ्रैक्शंस के इफेक्ट देखेंगे कि कहां जाके लाइट कितनी रिफ्रैक्ट होगी। तो इसके लिए मैंने काम किया, मैंने दो पार्ट्स में अपने टॉपिक को डिवाइड कर दिया। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मैं दो किस्म की रिफ्रैक्शन शो करूंगा, या तो रे ऑफ लाइट एंटर करेगी रेयरर से डेंसर, या एंटर करेगी डेंसर से रेयरर। सिंपल, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो लाइट रेयरर से डेंसर है या डेंसर से रेयरर है। डन। इसके बाद दो टाइप की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहली कन्वेक्स है और दूसरी कनकेव है, और ऐसे इसके अंदर भी कन्वेक्स है कनकेव है। तो यानी कि रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर कन्वेक्स में, रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर कनकेव में, ऐसे इसमें भी कन्वेक्स में और कनकेव में। तो जब मैं अपने टॉपिक्स में रिफ्रैक्शन शो करूंगा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि कन्वेक्स में दो केस बनेंगे, एक रियल इमेज बनेगी और एक वर्चुअल इमेज बनती है, और कनकेव में हमेशा ही वर्चुअल बनती है। और ऐसे इसके अंदर डेंसर टू रेयरर में कन्वेक्स में रियल बनती है और कनकेव में वर्चुअल बनती है। ये एंड में हम कंक्लूजन निकालेंगे आफ्टर जो रिजल्ट्स हम करेंगे, पर मैंने वो कंक्लूजन आपको पहले दिखा दिए कि हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पहले हम स्फेरिकल सरफेस में रेयरर टू डेंसर में कन्वेक्स में रियल करेंगे, फिर हम कन्वेक्स में वर्चुअल करेंगे, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, और ये पांच। तो आज हम पांच टॉपिक्स करेंगे इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है? तो स्टार्ट करें, तो पहले हम आधे पार्ट में क्या स्टार्ट करेंगे? रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, और कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? कन्वेक्स का कौन सा केस है इसमें? रियल इमेज। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर ये डायग्राम ऑप्टिक्स में क्या प्रॉब्लम है, आप डायग्राम देख के कॉपी भी करेंगे ना, आपसे बनेंगे नहीं, ऐसे बनेंगे नहीं। आप कितने याद कर लोगे? 50 है, आप ऐसे याद ही नहीं कर सकते। आपको समझने पड़ेंगे, टेक्निक समझनी पड़ेगी। तो जिसके लिए अपनी कॉपी ओपन करें, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप पहले देखेंगे, फिर आप वो दो मिनट लेके डायग्राम बनाएंगे। सारे डायग्राम आपने बनाने हैं ताकि क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मेन काम इसमें डायग्राम का ही रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, और ऑनलाइन वाले भी प्लीज ओपन कर सकते हैं अपनी कॉपी। ठीक, तो पहले मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा, आप सिर्फ समझेंगे, फिर जब मेरा खत्म हो जाएगा डायग्राम, तब मैं कहूंगा आप बना के देंगे, तब आप बनाना। ठीक है, ऐसे मत बनाना, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा आपको क्या। अगर मैं आप साथ साथ बनाएंगे तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप एंड में बनाएंगे, आपने टेक्निक समझी है। तो देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं रिफ्रैक्शन कन्वेक्स की। तो कन्वेक्स सरफेस में बना रहा हूं, रूल नंबर वन, कन्वेक्स सरफेस में ये डेंसर है और ये रेयरर है। ये क्लियर है यहां तक? देखते जाओ प्लीज, बनाना बाद में। इसके बाद आपने क्या करना है, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, बन गया यहां तक। रिफ्रैक्शन मुझे कहां से कहां करनी है? रेयरर से डेंसर। ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूं, रेयरर में कि डेंसर में? क्यों? क्योंकि रेज कहां से स्टार्ट होती हैं? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट अगर रेयरर में होगा तो रेज रेयरर से निकलेंगी और कहां जाके, कहां एंटर करेंगी? डेंसर में। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन विल बी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में रख दिया तो रेज कहां से स्टार्ट होंगी? डेंसर में, और एंड कहां पर होंगी? रेयरर में। तो यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड करेगी कि रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर है या डेंसर टू रेयरर है। क्योंकि ये टॉपिक रेयरर टू डेंसर का है, तो हम एक काम करेंगे, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखेंगे? रेयरर में। ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, यहां तक रे डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसके अंदर रूल नंबर वन, जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो रेज तो देखो बहुत निकलती है ऑब्जेक्ट में से, हम दो ही लेंगे सिर्फ, हमें इमेज बनानी है, दैट्स इट। तो पहली रे
हम एंड लेके जाएंगे अलोंग प्रिंसिपल एक्सेस। तो आपने पहली रे हमेशा कहां ड्रॉ करनी है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सेस, एक रूल। दूसरी जो रे है आपने हिट करवानी है ताकि इसकी क्या हो, रिफ्रैक्शन हो। तो ये एंटर करेगी इस ग्लास के अंदर या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अंदर। अब इसके अंदर एक चीज देखें, इसके अंदर इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा, ये मान लो इसका नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से। जो कर्व्ड सरफेसेस हैं उसका नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से। ये नॉर्मल हो गया, मैं लिख देता हूं ये नॉर्मल एन है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये देखो, ये टूवर्ड्स कहां बेंड हो गई, नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल में यहां आके मिली, तो ये क्या बनी, यहां पर इसकी इमेज। तो जहां पर रेज मिलेंगी वो इसकी इमेज है, और रियल इमेज है क्योंकि एक्चुअल में रेज मिल रही है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। अब नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल में आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो स्टैंडर्ड आपने अल्फा ही लेना है, और कोई एंगल अपने एंगल नहीं लेने। ऑब्जेक्ट का नाम भी ओ रखना है, अपना नाम नहीं रखना एबीसी, ओ ऑब्जेक्ट है, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट का एंगल है, आई फॉर इमेज है, नाम नहीं चेंज करना, और इमेज का एंगल क्या है, बीटा। सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करना है, और इमेज एंगल कितना है, गामा, अल्फा बीटा गामा, नाम वही रखना है, ओ सी आई। सारे डिस्टेंसेस कहां से ले जाते हैं इस क्वेश्चन में, पोल से, और ये क्या है इसका, पोल, पोल बन गया। इसमें कंस्ट्रक्शन है छोटी सी, और कंस्ट्रक्शन ये है कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से यहां, इसका नाम ए ही रखेंगे और कोई नाम ना रखें। क्यों बता रहा हूं ऐसा, उसका रीजन है, ए रखें और इसका नाम आप एम ही रखें, दिस इज अ परपेंडिकुलर। क्लियर है यहां तक? ये नाम सेम रखने को क्यों बोल रहा हूं, कुछ भी रख सकते, एबीसी रखो, जो मर्जी रखो, पर एक रीजन है, वो रीजन अभी बताऊंगा आपको। डायग्राम क्लियर है तो एक मिनट लो रफ कॉपी पे, डायग्राम टेक्निक से बना के दो, टेक्निक लगाओ और डायग्राम खुद बनाओ। ऑनलाइन वाले भी करेंगे प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है यहां तक? तो ये फिगर आपने ड्रॉ कर ली, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्यों करना है बताता हूं अभी, रीजन तो बताऊंगा अभी। यहां तक क्लियर है? कंस्ट्रक्शन है ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है, जो नेक्स्ट रूल लगाना है आपने, देखो इसमें रिफ्रैक्शन हो रही है तो स्नेल लॉ तो लगेगा लगेगा। अब ये बताओ कि ये जो रे है ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी, आई, और ये जो रे है ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनाएगी, आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर स्नेल लॉ कैसे लगेगा, म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर। तो क्या स्टेप क्लियर है, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर, ठीक। एंगल्स इस पूरे डायग्राम में बड़ा डायग्राम जरूर है, पर क्योंकि हम अपना जो काम करते हैं वो पैरेक्सियल रेज के साथ करते हैं, ये पैरेक्सियल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर मैं सारी रेज लूंगा तो कुछ रे ऊपर जाएगी, अलग रिफ्रैक्शन शो करेगी, कुछ नीचे से अलग करेगी, तो अलग अलग पॉइंट्स पे जाके मिलती हैं।
तो इसमें मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, तो हम एक ही इमेज पे काम करना चाहते हैं, तो हमारी रेस क्या है, पैरेक्सियल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ। तो ये और ये रे बहुत बड़ी डायग्राम में बड़ी दिख रही है पर बहुत नजदीक है, और ऊपर वाली रेस को हम लेते नहीं, तो इसमें ये एंगल जो बनते हैं बहुत छोटे बनते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि म्यू वन साइन आई को सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं आई, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं आर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, म्यू वन इंटू आई, म्यू टू इंटू आर, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो ये देखो, ये आपने सेम डायग्राम बना लिया, अभी हमने बनाया डायग्राम, अब आपने इसमें क्या लगाया, सबसे पहले स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। ये करने की जरूरत नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा बोलो साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह सिंपल आर, तो म्यू वन इंटू आई इज म्यू टू इंटू आर। ये क्वेश्चन क्लियर है। मैं अब आई और आर की वैल्यू ढूंढना चाहता हूं, आई और आर ढूंढने के लिए एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं मैं आपको, नाम चेंज मत करना, भाई ये मत चेंज करना, ए है तो ए ही लेना, बी सी मत लेना, ए ओ पी एम सी आई सीक्वेंस में लेना बस। अगर आपने सीक्वेंस सही बना दिया तो दो ट्राइंगल का नाम याद कर लो, इन ट्राइंगल आई ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी। नाम चेंज करेंगे तो ट्राइंगल भी चेंज करने पड़ेंगे, ट्राइंगल चेंज करने पड़े देखना पड़ेगा फिगर, अगर नाम ही चेंज नहीं करेंगे तो ट्राइंगल ही रट जाएंगे, इन ट्राइंगल आई ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी। ये देखो ढूंढ लो अब इसमें, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ये रहा ओ, ये रहा ए और ये रहा सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी। एक्सटीरियर एंगल कौन है, आई, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो क्या इक्वेशन बनेगी, आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा, तो आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा। क्लियर है, ये पहला ट्राइंगल है ए ओ सी, नेक्स्ट ट्राइंगल है आई ए और सी, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर कौन है, गामा, गामा किसके इक्वल है, आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहां से इस ट्राइंगल में आई ए सी में गामा आर प्लस बीटा, तो यहां से आर निकाल लो, और इस ट्राइंगल में आई ऑलरेडी आ गया, तो मैंने एक्सटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल आई ए सी ओ ए सी में आई भी ढूंढ लिया और आर भी ढूंढ लिया। इस आई और आर को यहां और यहां पुट कर लेते हैं, तो मैंने वैल्यूज को पुट कर लिया आई और आर, क्लियर है, जो मैंने एंगल्स ढूंढे यहां पुट कर लिए, ये स्टेप क्लियर है। अब इसमें एंगल्स छोटे हैं तो अल्फा और टेन अल्फा भी सेम रिजल्ट ही देंगे अप्रोक्सीमेटली, तो जहां आपने अल्फा लिखा अपने मन में अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपने मन में सोचे टेन अल्फा है तो एंगल छोटे हैं तो टेन अल्फा अल्फा एक ही बात है, तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ए एम डिवाइडेड बाई एम ओ, टेन गामा क्या होगा, ए एम अपॉन एम सी, टेन बीटा क्या होगा, ए एम बाई एम आई। तो आप यहां पर अल्फा बीटा गामा की जगह ए एम बाई एम ओ, ए एम बाई एम सी, ए एम बाई एम सी, ए एम बाई एम आई, तो ले लिया आपने टेन अल्फा ले लिया, इसके अंदर ए एम ए एम ए एम ए एम हो गया कैंसल, न्यूमिनेटर कैंसल। अब याद रखना एक और चीज, अजम्पशन है फिर से एक और, यहां पर एम और पी काफी नजदीक होते हैं, एम और पी बहुत क्लोज है, और सारे डिस्टेंसेज एम से नहीं लेने, कहां से लेने हैं, पी से लेने हैं, और अगर डिस्टेंसेज पी से लेने हैं तो एम को पी के साथ अप्रोक्सीमेटली रिप्लेस करने वाले हैं, तो ए एम ए एम ए एम ए एम कैंसल, तो एम ओ की जगह पी ओ, एम सी की जगह अप्रोक्सीमेटली पी सी, पी सी और पी आई। ये देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर दिया एम के साथ पी, तो ये स्टेप आ गया, यहां तक क्लियर है, इसे ओपन कर लिया, म्यू वन म्यू टू यहां तक भी क्लियर है। अब ये असली चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से देखनी है आपने, रेज यहां पर कैसे ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये रेज की डायरेक्शन है, ये रेज की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर ये रेज की डायरेक्शन है तो जो रेज की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मानना है, मतलब अगर मैं इस तरफ रेज को एज्यूम कर रहा हूं कि मेरी रेज यहां जा रही है, एज्यूम क्या कर रहा हूं, सच में रेज यहीं जा रही है, तो इधर के डिस्टेंसेस जो पोल से मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेज, और इसके ऑपोजिट अगर जाएंगे तो वो डिस्टेंसेज नेगेटिव लिए जाएंगे, पोल को ओरिजिन मान लिया जाता है। तो अगर मैं इधर जाऊंगा पॉजिटिव, इधर जाने का मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेज, तो इस तरफ के डिस्टेंसेज पॉजिटिव लेने हैं और इस तरफ के डिस्टेंस नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन है ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स में क्योंकि रेज मेरी राइट की तरफ जा रही है तो इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर के सारे डिस्टेंसेज पॉजिटिव और इधर के डिस्टेंसेज नेगेटिव है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मुझे डिस्टेंस पीओ मेजर करना है, पीओ, अब पीओ का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है,
पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ है, राइट है कि लेफ्ट है? लेफ्ट है, पर हमारी एक्चुअल रेज कहाँ जा रही है, राइट। तो हमने इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, पर हम पोल से कौन सा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उल्टा डिस्टेंस। उल्टे डिस्टेंस का मतलब यहां पर क्या आएगा, माइनस यू। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव तो इधर का डिस्टेंस नेगेटिव। अगर मैं पूछूं पी आई कितना है, पी आई का मतलब है इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, प्लस वी, क्योंकि राइट का डिस्टेंस है, रेज भी राइट जा रही है और पोल से डिस्टेंस भी राइट मेजर हो रहा है, तो प्लस वी। अगर मैं बोलूं कि पी सी कितना है, आर, आर नहीं प्लस आर, प्लस आर क्यों, क्योंकि मैं राइट का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, तो प्लस आर। साइन कन्वेंशन समझ में आ रही है? तो सिंपल है, यू तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, वो आपने लेंस में कभी छोटी क्लास में देखा भी होगा, तो इसमें भी सेम है। तो अगर रेज राइट जा रही है तो इधर का डिस्टेंस नेगेटिव, इधर का पॉजिटिव। तो मैं काम करूंगा, यही साइन कन्वेंशन मैंने यहां लिखी हुई है, पीओ माइनस यू है और बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो आप पीओ की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, पी आई की जगह वी पुट कर दें, पी सी की जगह आर पुट कर दें। और जब आप ऐसा करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो एंड में आपके पास एक फॉर्मूला आएगा। ये वो फॉर्मूला है, इसे प्लीज याद कर लें। और फॉर्मूला क्या है, माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब रे कैसे जाएगी, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। और कौन सा केस है, कन्वेक्स का केस है, ठीक है, और रियल का केस है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन में वो कहेगा कि आप मेरे से यू ले लो, म्यू वन ले लो, म्यू टू ले लो, आर ले लो, बताओ इमेज कितनी दूरी पे बनेगी। तो इन फॉर्मूले में पुट करके आप यू आर म्यू वन म्यू टू पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी। समझ में आ रहा है यहां तक? मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको फॉर्मूला, प्लीज नोट कर लें कैसे यूज कर लें, न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा। तो फॉर्मूला क्लियर है, याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है यहां तक? तो पहला फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है, साइन कन्वेंशन याद करनी पड़ेंगी। इसमें आप एक चीज बताएं, इस पूरे क्वेश्चन में यू क्या है, नेगेटिव, वी क्या है, तो रियल इमेज में यू नेगेटिव है और वी पॉजिटिव है, और आर क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, कन्वेक्स में रियल के केस में आर पॉजिटिव है, याद रहेगा यहां तक, ठीक। नेक्स्ट रूल है या नेक्स्ट केस है, इमेज क्या बनेगी अब, वर्चुअल, सेम केस है। तो एक बार फिर से डायग्राम बनाएंगे, पहले मैं बनाऊंगा फिर आप बना लेना। तो सबसे पहले एक बार फिर से ये ली मैंने रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। इस बार एक चीज का ख्याल रखना, जो ऑब्जेक्ट लेना है ना, जो ऑब्जेक्ट लेना है वो इसके काफी क्लोज लेना है। पहले ऑब्जेक्ट काफी दूर लिया था मैंने, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेना है। ऑब्जेक्ट बन गया वो, एक रे हमेशा की तरह कैसे पास होगी, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, सीधी जा रही है। दूसरी रे इसको हिट करेगी, सबको मालूम है ये री, और इसकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन। इसमें जो नॉर्मल होगा वो हमेशा कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से। क्लियर है यहां तक? सेम रूल है। अब रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू वन, डेंसर को म्यू टू, तो रेयरर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब टूवर्ड्स नॉर्मल में जब वो यहां पर बेंड होगी, ये देखो ये बेंड हो रही है और ये टूवर्ड्स नॉर्मल ही बेंड हुई, ध्यान से देखो, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, पर प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट काफी पास था, पास होने से एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया काफी बड़ा, तो रिफ्रैक्शन भी बन गया काफी बड़ा। तो बेंड तो हुई, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट नहीं गई, बेंड तो हुई, पर उतनी बेंड नहीं हो पाई कि प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर मिल पाए। देखो बेंड तो हुई पर ज्यादा बेंड नहीं हो पाई, तो ये अगर नहीं मिल पाई तो कोई बात नहीं, हम ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ मिला देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, और कौन सी इमेज बनेगी यहां पर, वर्चुअल इमेज। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक। तो इसमें ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, और सेंटर पे एंगल गामा, और ये कंस्ट्रक्शन अगेन एक बार ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो ये क्या है ए, ये क्या है एम, ये क्या है पी, वो डाउट इसमें। अब आप ये कहेंगे कि सर मैं पेपर में बना रहा था और पेपर में आया भी कि वर्चुअल का केस बनाओ, मेरे से ना ज्यादा बेंड हो गई, ऐसे कैसे बेंड हो गई,
भाई इमेज तुमने बनानी है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि तुमने तो ऐसे पास कर दी अपने आप मिल गई। तो अगर उसने कहा वर्चुअल तो आपने बेंड तो करनी है, पर इतनी बेंड मत कर देना कि यहाँ पे मिल जाए, थोड़ी चलाकी भी दिखानी पड़ेगी ना। पता है कि वर्चुअल इमेज है तो इतनी की मिलानी है कि बस पीछे मिले, और अगर रियल है फिर ज़्यादा बेंड करके मिला देनी है कि देखो रियल बोला तो रियल बनाई मैंने। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये केस सबको समझ में आ रहा है, तो बनाओ डायग्राम खुद से एक बार। जब ये रेज एक्चुअल में मिलती है तो रियल इमेज बनती है, और अगर नहीं मिलती तो हमें ज़बरदस्ती मिलानी पड़ती है। जब हम ज़बरदस्ती मिलाते हैं उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज को देखने आपको एक स्क्रीन रखनी पड़ती है हवा में, वो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगी, ऐसे हवा में बनेगी नहीं। हम वर्चुअली मतलब मानते हैं कि यहाँ अगर स्क्रीन रखी जाए तो दिखेगी, पर हवा में तो दिखेगी नहीं ना। पर लेकिन आपको अगर देखनी हो तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे। लाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो प्लीज, एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, डायग्राम क्लियर है, ये बन जाएगा। वैसे तो टेस्ट होगा, उसमें बना के दिखाना ही है आपको, पर अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इन्हें याद नहीं कर सकते, आप इन्हें ये नहीं कर सकते कि मेरे को अगर कोई कहेगी यार ये डायग्राम ऐसा सेम टू सेम बना दो, आप कैसे करोगे? आप कभी कोई लाइन खींच रहे हो, कभी कोई लाइन खींच रहे हो, बना ही नहीं पाओगे। ऐसे 25-30 डायग्राम है, और ये तो अभी स्टार्ट है, अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें आपको समझना ही पड़ेगा कि कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें रूल वही है, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। ट्राइंगल के नाम ना चेंज करना, अंदर फंस जाओगे, फिर ट्राइंगल ढूंढते रह जाओगे, तो अपना ट्राइंगल चेंज नहीं करेंगे। इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल IAC। तो इन ट्राइंगल AOC, ये रहा आपका A, ये रहा O और ये रहा C। इन ट्राइंगल AOC एंगल I इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा। ठीक है यहाँ तक? उसी तरीके से इन ट्राइंगल IAC, ये I, ये A और ये C। इन ट्राइंगल आई ए सी एंगल क्या है? एक्सटीरियर आर, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने दो ट्राइंगल देने हैं, दोनों में आपने प्रॉपर्टी लगानी है एक्सटीरियर एंगल की। तो इन ट्राइंगल ए ओ सी में एक्सटीरियर एंगल कौन है? आई आई। ठीक है, और इन ट्राइंगल आई ए सी एक्सटीरियर कौन है? आर। स्नेल लॉ लगा लेना, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। एंगल छोटे हैं, साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर। आई और आर की वैल्यूज हम ऊपर निकाल चुके हैं, इन वैल्यूज को आप यहां पे पुट करेंगे आई और आर, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है यहां तक? क्लियर है? यहां से अल्फा की जगह क्या लेंगे? ए एम बाई एम ओ। बीटा की जगह ए एम बाई एम आई। गामा की जगह ए एम बाई एम सी। ये रहा ए एम, ए एम, ए एम, ए एम कैंसल। M की जगह P, M की जगह P, M की जगह P, तो M की जगह हर जगह P, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। साइन कन्वेंशन एक बार फिर देखेंगे, रेज फिर से कैसे जा रही है राइट, रेयरर से डेंसर।
तो ये डायरेक्शन ऑफ रेज है, तो यहां की डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे पीसी की वैल्यू चाहिए, पीसी पीसी का मतलब रेडियस, तो क्या लेंगे? प्लस आर, राइट का डिस्टेंस इसमें पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूंगा पीओ, पीओ का मतलब माइनस यू, लेफ्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है। पीआई, इमेज का डिस्टेंस यहां पर माइनस वी, वैसे भी ऑब्जेक्ट और इमेज वर्चुअल में हमेशा सेम साइड पे होती है, अगर यू नेगेटिव है तो वी भी नेगेटिव है। तो ये साइन कन्वेंशन पुट की हुई है, देखो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहां पर जब पुट करेंगे तीनों पीओ पीआई और पीसी पुट करके आपके पास ये आंसर आएगा, और अच्छी बात ये आंसर वही आ गया जो पहले फर्स्ट केस में आया था रियल में। तो रियल में भी वही आंसर है, वर्चुअल के अंदर भी सेम आंसर है। फॉर्मूला फिर से याद करने की जरूरत नहीं है, सेम आंसर सेम फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें फिर क्वेश्चन ये है कि जब न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में मान लो दो टाइप के न्यूमेरिकल आ गए, एक रियल का और एक वर्चुअल का, दोनों में यू गिवन था सेम, आर गिवन है सेम, म्यू वन म्यू टू सेम, तो वी की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम। पर ऐसा तो होता नहीं है, वर्चुअल में सेम साइड पे बनती है, रियल ऑपोजिट बनती है, सेम कैसे आएगा? तो और फॉर्मूला लेकिन अप्लाई जो करना है वो एग्जैक्टली सेम है, तो हमें काम करना पड़ेगा, हमें न्यूमेरिकल में फिर से साइन कन्वेंशन पुट करनी पड़ेंगी ताकि हम अलग अलग केस को डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो आप साइन कन्वेंशन, लोग पूछते हैं सर एक बार यूज हो तो गई, फिर दोबारा यूज करेंगे वो तो इफेक्ट कैंसिल करेगी, पर कैंसिल कैसे करेगी जब फॉर्मूला ही सेम आ रहा है? तो इफेक्ट को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? वापस से साइन कन्वेंशन पुट करके, जैसे आप छोटी क्लास में लेंस के न्यूमेरिकल्स करते थे, 1/v - 1/u - 1/f, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, फॉर्मूला सेम है, पर क्या करते थे? साइन कन्वेंशन। तो वही उसको अलग कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। अब साइन कन्वेंशन याद कर लो, साइन कन्वेंशन कैसे, कौन सी इमेज है? वर्चुअल। वर्चुअल में क्या याद रखेंगे? U और V are on the same side, तो U भी negative, V भी negative, और convex में R क्या होता है? Positive। चलो compare करें, इससे पहले वाला case real का, convex का, ये वाला case concave का, convex का, virtual का। पहले वाले case में U negative, real में V positive, virtual में U भी negative, V भी negative, R दोनों में positive, positive, done। हो गया comparison, numerical आएगा याद रखना, यही काम आएगा साइन कन्वेंशन, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें करने वाला। समझ में आ रहा है यहां तक? डेरिवेशन आ जाती है बोर्ड में ये प्रूव करने को। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन अब कहां से कहां करनी है? रेयरर टू डेंसर, लेकिन इस बार आपको जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेना है वो कन्वेक्स नहीं लेना, वो क्या लेना है? कनकेव लेना है। चलो कनकेव बनाते हैं, ऐसे तो डायग्राम नहीं चलेगा ना, ऐसे कैसे याद करोगे? बनाओ, बनाना मतलब पहले देख लो फिर बनाना, पहले देख लो। ये देखो, ये आपकी सरफेस क्या है? कनकेव। कनकेव कैसे है? ऐसे, ये आपकी कनकेव सरफेस है, सच दैट ये कितना है? डेंसर। ये क्या है? रेरर। आपको रिफ्रैक्शन कहां से कहां करनी है? रेरर टू डेंसर। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? रेरर में। तो ऑब्जेक्ट को चलो यहां पे रख देते हैं, ये ओ है, ध्यान आ गया? अब ध्यान से देख लेना मैं क्या करने वाला हूं, पहले देख लो प्लीज, बनाना मत, बाद में बनाना। एक रे कहां पास करें? प्रिंसिपल, क्योंकि रेयर टू डेंसर जानी है। एक रे कहां भेजें? यहां पर रिफ्रैक्शन होगी। क्या है पॉइंट? क्लियर है? अब इसका जो नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल इस सरफेस का नॉर्मल, वो कहां से पास करेगा? इसके सेंटर से। ये क्या है? इसका पोल। सही है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अब नॉर्मल इसका ऊपर को है, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस को मीट तो कर पाएगा नहीं, तो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। अब एक केस ये है, मैं वर्चुअल बनाना चाहता हूं, ये मैंने रे को नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया, मैंने रे को नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया कुछ ऐसे, राइट? बेंड हो गया, तो मुझे इसको पीछे करके मिलाना पड़ेगा कुछ ऐसे, ऐसे बन गई इमेज। तो ये क्या बनेगी? इसकी इमेज। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जब डायग्राम बना रहा होता है ना, तो डायग्राम बनाते बनाते बहुत टाइट डायग्राम बना देता है, मतलब क्योंकि उसको नहीं पता ना कितनी बेंडिंग करनी है, वो इतनी बेंडिंग कर बैठता है कि वो इमेज यहां पर बनती है, फिर ट्राइंगल उसको ठीक से दिखते नहीं है। जैसे अगर किसी ने ज्यादा ही बेंडिंग कर दी ना,
ये देखो कुछ ज़्यादा ही बेंडिंग कर दी, वो ऐसे कर देगा और फिर अपने यहाँ बना के फिर कहेगा ट्राइंगल नहीं दिख रहा मुझे, एंगल कैसे बनाएगा, अच्छा डायग्राम नहीं बनाएगा। तो आप थोड़ी सी इसमें चालाकी दिखाओगे, आप पहले अपने मन में पता तो है ही वर्चुअल बननी है, आप डिसाइड कर लो कि मेरे को वर्चुअल यहाँ बनानी है ताकि खुले खुले डायग्राम बने। तो आप क्या करेंगे इसमें, अब आप इसमें डॉट 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 ऐसे ए, बस ये देखो होगी बेंडिंग, बेंडिंग भी होगी और आपके मनपसंद जगह पे इमेज भी बन गई। करना ही पड़ेगा नहीं तो गंदे डायग्राम बनेंगे यार, ट्राइंगल में खुद ही खो जाओगे, एंगल कहाँ से निकालोगे, आपकी मर्जी है। वैसे बता रहा हूँ मैं, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैंने तो बेंडिंग की है, रिफ्रैक्शन की है और ये यहाँ पर मिली, तो ये क्या बनी इसकी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान से, ऑब्जेक्ट का एंगल, इमेज का, सेंटर का, और ये रहा परपेंडिकुलर जिसका नाम क्या है ए एम। अब ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से, ये ग्रीन कलर का नॉर्मल है और ये रे है, ये टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये वाला एंगल आर। अगर ये वाला एंगल आर, ये ध्यान से, अगर ये वाला एंगल आर आर है तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल भी आर है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, इसे ड्रॉ कर सकते हैं, प्लीज ड्रॉ करो। ठीक है यहाँ तक, ट्राइंगल के नाम चेंज नहीं करने जैसे मैंने बताया। तो इन ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं ए ओ सी, ये देखो ये रहा ट्राइंगल ए, ये रहा ओ और ये रहा सी। इन ट्राइंगल ए ओ सी एक्सटीरियर कौन है, गामा, गामा इज इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस आई, ठीक है। इन ट्राइंगल ए आई सी, ए आई सी होता है ना, यही है, तो इसमें एक्सटीरियर कौन है, गामा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, ठीक। तो पहली पहले ट्राइंगल से आया आ गया, दूसरे ट्राइंगल से आर आ गया। स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर सेम, एंगल छोटे हैं तो सेम, आई और आर की जगह वैल्यूज को पुट कर दिया बिल्कुल सेम। फिर से एक बार, एल्फा इज ए एम बाई एम ओ, बीटा इज ए एम बाई एम आई, गामा इज ए एम बाई एम सी। तो यहां पर वैल्यूज को पुट कर दिया, ए एम ए एम ए एम ए एम कैंसल, एम की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं पी, तो जहां जहां एम है वहां वहां पी, तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर एक काम करना है, म्यू वन म्यू टू को ओपन करके साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। देखो साइन कन्वेंशन कैसे पुट करनी है, साइन कन्वेंशन में आपकी लाइट फिर कहां जा रही है, राइट जा रही है, रेयर टू डेंसर।
तो इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर के नेगेटिव, तो बोलो इसमें पी ओ कितना? पी ओ इज माइनस यू, पी आई कितना? माइनस वी, पी सी कितना? माइनस, सब नेगेटिव इसमें, ये बढ़िया है, सब याद ही नहीं करना, सब नेगेटिव, ठीक हो गया। तो जब आप यहां पर सब पुट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और आंसर जब आएगा, आंसर फिर से सेम आएगा, तो तीनों केस में फॉर्मूला सेम, जो कन्वेक्स का, कनकेव का, रियल का, वर्चुअल का, सेम। तो याद रखना, अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाती है, कोई मर्जी केस हो, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ठीक है। फॉर्मूला कब चेंज होगा? जब रे डेंसर से रेयरर जाएगी। सही है यहां तक? साइन कन्वेंशन एक बार रिवाइज कर लें, न्यूमेरिकल में तो भूल जाएगी आपको, पांच केस है ना, पांच बार तो भूल ही जाएगी। पहला केस, कन्वेक्स का रियल, रियल में यू नेगेटिव वी पॉजिटिव, आर वाज पॉजिटिव कन्वेक्स का। फिर कन्वेक्स का वर्चुअल, यू नेगेटिव वी नेगेटिव आर पॉजिटिव, डन। फिर उसके बाद कनकेव का वर्चुअल, यू नेगेटिव वी नेगेटिव आर भी नेगेटिव, डन। न्यूमेरिकल में यही काम आएगा। नेक्स्ट है, अब उल्टा करेंगे, रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेरर। अब उल्टा, रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेरर, और कौन सा? कन्वेक्स का केस है, कन्वेक्स का रियल केस करते हैं। देखो अब इंपॉर्टेंट ये है, ये कन्वेक्स है, जबकि मैंने जब रेरर टू डेंसर किया था तो मैंने कन्वेक्स ऐसा लिया था, इसमें मैंने ऐसा ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क थोड़े ना है, क्या सिखाया था? अगर यहां डेंसर है तो कन्वेक्स है, ये देखो ये कर्व है, यहां डेंसर है तो ये कन्वेक्स है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधा कहां से कहां? डेंसर टू रेरर, तो डेंसर टू रेरर में ये क्या बनेगा? म्यू टू, और ये क्या बनेगा? म्यू वन। उल्टा, अब डेंसर टू रेरर हो गया, तो एक रे सीधी, एक रे यहां जाएगी, और नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर से। तो रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहां के मिलेगी तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है यहां तक? तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का बीटा, और ये गामा, बाकी सब कुछ सेम है। वैसे बुक्स में गिवन नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंगली इसमें वर्चुअल भी बन सकती है, क्योंकि अगर इसमें मैंने ज्यादा बेंडिंग करवा दी और रियल बन गया, अगर ज्यादा बेंडिंग ना होती, कम बेंडिंग होती, कम रिफ्रैक्शन होता, तो फिर यहां पर वर्चुअल बन सकता था, बुक्स में गिवन नहीं, बात अलग है, पर वैसे पॉसिबल तो है इसमें, बट चलो कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है? तो इसके अंदर ये डायग्राम क्लियर है, मेन है इसमें साइन कन्वेंशन, फिर से डायरेक्शन रेज की कैसे है? डेंसर टू रेयरर राइट की तरफ, तो ये डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो इस डायरेक्शन को क्या लेंगे? पॉजिटिव, राइट। तो ये बताओ पी ओ क्या लेंगे? पी ओ इज माइनस यू, उल्टा लेफ्ट का डिस्टेंस है, राइट का डिस्टेंस इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि रेस लेफ्ट से राइट जा रही है, तो पी ओ कितना? माइनस यू। पी सी कितना? पी सी इज इक्वल टू माइनस आर, और पी आई कितना? पी आई इज इक्वल टू प्लस पी। क्लियर है यहां तक? तो इसमें एक चीज बताओ मुझे, साइन कन्वेंशन अगर याद करें, कौन सा केस है? कन्वेक्स का रियल का केस है, डेंसर टू रेरर का, यू फिर से नेगेटिव, वी फिर से पॉजिटिव, ये तो वही रूल है सेम, एक फर्क है आर, जब रेरर टू डेंसर था उसमें आर पॉजिटिव था, इसमें रेज राइट जा रही है और सेंटर पीछे रह गया, तो आर इसमें नेगेटिव, ये भी याद करना पड़ेगा, कन्वेक्स है, पहले भी कन्वेक्स था, कन्वेक्स में रेरर टू डेंसर में आर पॉजिटिव है, और डेंसर टू रेरर में कन्वेक्स के रियल में आर नेगेटिव है, बस यही फर्क है, ठीक है यहां तक? तो क्लियर है यहां तक? नाम सब कुछ सेम, एवरीथिंग सेम, स्नेल्स लॉ चेंज है, ध्यान से, स्नेल्स लॉ में म्यू टू इंटू साइन आई इज म्यू वन इंटू साइन आई, तो उसमें उल्टा किया था, उसमें किया था म्यू वन इंटू साइन आई म्यू टू इंटू साइन आर, इसमें म्यू टू इंटू साइन आई म्यू वन इंटू साइन आर, म्यू वन म्यू टू उल्टे हो गए, लिख लिया, एंगल छोटे हैं तो लिख लिया, साइन को हटा दिया, इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल आई ए सी, तो इन ट्राइंगल ओ ए सी ये रहा ओ,
ये रहा ए और ये रहा सी, तो एक्सटीरियर कौन, गामा, गामा इज इक्वल टू क्या, आई प्लस एल्फा, ठीक हो गया यहां तक। इन ट्राइंगल ओ ए सी, ये रहा ओ, ये रहा सी, ये हो गया मेरे ख्याल से। इन ट्राइंगल आई ए सी, आई ए और सी, एक्सटीरियर कौन इसमें, आर, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहां से आई आ गया, यहां से आर आ गया, आई और आर को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में गामा को क्या पुट करेंगे, ए एम बाई एम सी, एल्फा को ए एम बाई एम ओ और बीटा को ए एम बाई एम आई, तो पुट करेंगे ए एम कैंसल, एम की जगह पी, ये टर्म्स आ गई। और साइन कन्वेंशन मैंने बताई थी, पी ओ इज माइनस यू, पी आई इज प्लस वी, पी सी इज माइनस आर। तो जब वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, फॉर्मूला चेंज हो गया। आप प्लीज इसमें ये फॉर्मूला याद करें, इस और पिछले फॉर्मूले में फर्क क्या है ये सुन लो। अगर रेयरर टू डेंसर होता, जैसे पिछले तीन केस किए, तो फॉर्मूला था माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। और अगर डेंसर टू रेयरर का केस आ जाता है, कुछ नहीं करना, म्यू वन की जगह म्यू टू, म्यू टू की जगह म्यू वन बस, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो आपने रूल्स को चेंज कर देना है, म्यू वन को म्यू टू, म्यू टू को म्यू वन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो बढ़िया है। एक फॉर्मूला याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो गया। अब देखना सिर्फ ये होता है कि रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर है या डेंसर टू रेयरर है, क्योंकि रेयरर टू डेंसर से डेंसर टू रेयरर आ गया, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। दो ही फॉर्मूलाज है इसमें, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी देख लिया आपने इसमें। अब नेक्स्ट केस है, रिफ्रैक्शन फिर से कहाँ है, रिफ्रैक्शन है डेंसर टू रेयरर, और सरफेस क्या है, कनकेव। तो कनकेव सरफेस में क्या करना है, तो आपने ये फिर से सरफेस क्या बनाई, कनकेव बनाई। कनकेव में क्या करना है, ध्यान से देखना, फिर डायग्राम बनाना है इसका, थोड़ा बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयरर जाना है, तो एक रे सीधी, एक रे यहां जाएगी, इसका नॉर्मल यहां से पास करेगा सेंटर से, क्योंकि इसका सेंटर राइट है। तो रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, जिस वजह से रियल नहीं बन सकती, क्या बनेगी, वर्चुअल। बना के देख लो इसमें प्लीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और रिफ्रैक्शन कितना आर, बाकी डायग्राम क्लियर है, बनाओ।
आपके यहां तक क्लियर है? तो इसमें स्नेल्स लॉ, म्यू टू इंटू साइन आई, म्यू वन इंटू साइन आर, एंगल स्मॉल है तो वही रूल फिर से, इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल आई ए सी, एक्सटीरियर एंगल आप ढूंढ ही लोगे, वहां से आर और आई आप ढूंढ लोगे, उस आर और आई को फिर पुट कर दिया, ए एम ए एम कैंसल, एम की जगह पी, सेम स्टेप है, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में रे ऑफ लाइट फिर से कहाँ जा रही है? टूवर्ड्स राइट जा रही है। अब अगर मैं पूछूं पी ओ कितना है? माइनस यू। पी आई कितना है? माइनस वी। पी सी कितना है? प्लस आर। इंपॉर्टेंट है, इसमें कनकेव का केस है, कनकेव के वर्चुअल के केस में यू नेगेटिव वी भी नेगेटिव, वर्चुअल में जो यू नेगेटिव है वी भी हमेशा ऑन द सेम साइड बनता है इसलिए नेगेटिव। जो रेयरर टू डेंसर में कनकेव में आर नेगेटिव था, डेंसर टू रेयरर में वर्चुअल में कनकेव में आर पॉजिटिव है, बस ये फर्क है। ठीक है यहां तक? तो जब आप यहां पुट करेंगे फॉर्मूला वही आएगा जो इसलिए पिछले केस में था। तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि या तो रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर होगी या डेंसर टू रेयरर होगी। अगर रेयरर टू डेंसर होगी उस केस में एक फॉर्मूला, डेंसर टू रेयरर में दूसरा फॉर्मूला, असली जो न्यूमेरिकल में काम आएगा वो है साइन कन्वेंशन। तो अब हम इसको लगा के देखते हैं न्यूमेरिकल में कैसे लगेगा। ये पूरा लेक्चर एनसीईआरटी के ऊपर है, कॉम्पिटिशन में थोड़ा रेयर आता है, एनसीईआरटी में आ जाता है इसका क्वेश्चन, तो एक बार लगा के देखते हैं। ठीक है,